ये आप लोगों को लग रहा होगा कि कौन लोग अचानक से आ गए, अभी क्या मांग कर रहे हैं, ये लंबे समय से मांग चल रही है जवाबदेही कानून को लेकर। तो आप सब भी जुड़े इस जवाबदेही की मांग में, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस देश में और इस राज्य में जिसकी कोई शिकायत नहीं है, जिसको परेशानी नहीं है। तो आप सब लोग जुड़े इस जवाबदेही आंदोलन में, जवाबदेही बहुत जरूरी है। हमारे पैसे से ये तनख्वाह लेने वाले लोग हमें ही चक्कर कटाते हैं। हम अस्पताल की जवाबदेही की बात कर रहे हैं, हम पढ़ाई की जवाबदेही की बात कर रहे हैं, हम सरकार की सारी स्कीम की जवाबदेही की बात कर रहे हैं। विजिलेंस इज द इटर्नल प्राइस दैट यू हैव टू पे फॉर डेमोक्रेसी। जिंदाबाद। मेरा नाम मानुषी है और हमारे साथ निखिल जी हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन से और शंकर जी हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन से। और हम जवाबदेही यात्रा जो राजस्थान में चल रही है उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। शंकर जी और निखिल जी, इस कानून को और यात्रा को आप जवाबदेही क्यों बोल रहे हैं? जवाबदेही क्योंकि ये जवाबदेही एक शब्द है अकाउंटेबिलिटी अंग्रेजी में। तो हम लोगों ने पारदर्शिता के लिए, सूचना के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी और लोकतंत्र में पारदर्शिता, जनता के प्रति जवाबदेही और जनता की भागीदारी, ये तीन खंभे हैं लोकतंत्र जिसमें लोगों का तंत्र चल सके। वरना जवाबदेही तो है ढांचे में, लेकिन है ऊपर वाले के प्रति, कलेक्टर के प्रति, मंत्री के प्रति, सचिव के प्रति, लोगों के प्रति नहीं। तो जब जनता का राज है, जब जनता सॉवरेन है, मालिक है, तो उनके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन वो कानून में है नहीं। तो इसीलिए जवाबदेही कानून, ताकि वो जनता के प्रति वो जवाबदेही हो। और किसकी जवाबदेही? वो जन प्रतिनिधि हो या वो अधिकारी हो या कर्मचारी हो उनकी, क्योंकि उनको तनख्वाह मिलती है जनता के लिए काम करने के लिए, वो काम करे उसकी जवाबदेही तो होनी चाहिए। जो काम करता है प्राइवेट सेक्टर में करता है उसकी जवाबदेही होती है, जो काम करते हैं पब्लिक सेक्टर में उनकी जवाबदेही होनी चाहिए, जो सरकारी सेक्टर में करते हैं उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। सरकारी ऑफिस में जावा रिश्वत मांगे रे, सरकारी ऑफिस में जावा रिश्वत मांगे रे, दफ्तर में बैठो बाबू मन भगावे रे, दफ्तर में बैठो बाबू मन भगा। इसमें जवाबदेही का शंकर को क्या लगता है? नहीं, आप इसमें कह रहे हो कि आपका क्या स्वार्थ है, आप पूछ रहे हो ना? जवाबदेही क्यों बोल रहे हो? हाँ, जवाबदेही शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जवाब दो, हमारे सवाल हैं, आप उसका जवाब दो ना, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आज एक से पूरा ढांचा बना हुआ है, उसमें एक भी वोट होता है, फिर नेता चुनते हैं, फिर वो और ब्यूरोक्रेसी और सब मिलके शासन को चलाने की बात करते हैं। अगर वो ब्यूरोक्रेसी वाले नेता सब मिलके केवल यही स्वार्थ सोचें कि हमारा अपना तो ठीक से चलना चाहिए और जनता जाए भाड़ में, हम 5 साल में एक बार वापस जाएंगे, उस समय हाथ जोड़ लेंगे, उस समय नमस्कार कर लेंगे और कहते हैं अब के हमको जिताओ, और जनता फंसी हुई रहती है, आपने ठीक नहीं किया तो अगली बार दूसरों को दे देंगे, उसने ठीक नहीं किया तो वापस आपके पास आ जाएंगे। तो जनता तो एक बॉल बन जाती है ना, गेंद बन जाती है। तो वो जो ब्यूरोक्रेसी वाला ढांचा है वो कब इसके प्रति जवाबदेह बनेगा? तो तीनों आपस में अधिकारी, कर्मचारी, नेता, तीनों की जवाबदेही होनी चाहिए जनता के प्रति, लोगों के प्रति। जवाबदेही यात्रा नाम तो दे रहे हैं, दूसरों से ही जवाबदेही मांग रहे हैं, आपकी क्या जवाबदेही? ये शायद एक लोगों के मन में ये होगा, ये जिनसे हम पूछते हैं
कि जैसे आपने कहीं कर्मचारियों की बात उठाई, उन्होंने कहा आपकी क्या, वो उल्टा पूछते हैं, तो इसके बारे में आपका क्या सोच है कि हम सब लोग दूसरों से ही जवाबदेही मांग रहे हैं या हमारी भी है? हमारी जवाबदेही पहला तो ये कि भाई ये जो पूरा लोकतंत्र है इसमें जिसका जहाँ हिस्सा बनता है, मेरी जवाबदेही कहाँ फिक्स होती है वो मुझे तय करनी पड़ेगी। अगर मैं कुछ बात ही नहीं कर रहा हूँ, पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं कोई ग्रीवेंस दर्ज ही नहीं करा रहा हूँ, बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी कमजोरी है और मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं, बैठा हूँ तो बैठा रहो, और जो बोल रहा है वो उसकी भी, वो उसको बोलना भी पड़ेगा ना, जवाबदेही उसकी भी है तो उसको बोलना पड़ेगा। तो बोल रहा है तो वो लोग पूछ बोल रहा है तो वो कह रहे हैं कि आपकी क्या जवाबदेही, हमारी जवाबदेही हम पूरी कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मेरी, मैं बोल रहा हूँ ना, ये हमारी जवाबदेही एक नागरिक के रूप में बोलने की है, हम बोलेंगे तो हम वो निभा रहे हैं पूरा, हमारी जवाबदेही तो हम निभा रहे हैं। आप सवाल पूछेंगे, आप जवाब मांगेंगे तो ये व्यवस्था प्रणाली चलती रहेगी। हमसे सवाल कर सकते हैं, करो ना सवाल। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि विजिलेंस इज द इटर्नल प्राइस दैट यू हैव टू पे फॉर डेमोक्रेसी। नागरिकों को देखते ही रहना पड़ेगा, वॉचडॉग रहना ही पड़ेगा, तभी ये ढांचा चलेगा। वो हम जवाबदेही, हम वॉचडॉग का रोल निभा रहे हैं। एक किसान अपने खेत में फसल बोता है और 4 महीने बाद वो फसल कटती तो वो क्या आ गया, और 4 महीने बाद जाके काट लेगा क्या? तो वो तो रोज देखता है ना, अगले दिन ही देखता है वीक नहीं होगी, फिर वो देखता है इसमें खरपतवार तो नहीं आ गए, फिर देखता है अरे पानी नहीं पिलाए तो थोड़ा मुरझा रही है, तो फिर वो कहे कि कुछ कीड़े लग रहे हैं, तो कीड़े लग रहे हैं तो दवाई भी डालेगा, कुछ तो करेगा ना। तो बड़ी मुश्किल से उस फसल को एक निगरानी के साथ, एक सतर्कता से रोज रोज निगरानी करने के बाद वो फसल उसके घर में आती है। तो ये भी एक फसल है कि सरकार अगर व्यवस्था नहीं चलती है तो हमारी कमजोरी, हम उस पर नजर नहीं रख रहे हैं, हम वो सवाल नहीं कर रहे, हम वो निगरानी नहीं कर रहे, वो निगरानी करने का जनता का हक है। आपको जो तनख्वाह मिलती है आप जनता का काम करो, जो जनता के टैक्स के पैसों से आपको तनख्वाह दी जाती है, तो इसलिए अरे पटवार खाना हमें पटवारी तो इस वक्त भारी मांगे रे, पटवार खाना हमें पटवारी तो इस वक्त भारी मांगे, अरे चार दिन का सप्तर में देखो होता घना जनता हूँ ना मैं, कोई इस अलग थोड़ी ना, अलग से कोई व्यक्ति में से थोड़ी आया हूँ, मैं भी उसी जनता का हिस्सा हूँ, तो मैं उस जनता के, जनता में से मैं हूँ, बहुत सारे लोग हों तभी जनता होगी क्या, एक व्यक्ति भी तो है ना। मैं वोट देता हूँ, मेरा पूरा हक बनता है इस व्यवस्था से, शासन से पूछने का हक बनता है, मैं पूछूंगा, और उनके सवालों के साथ मेरा सवाल भी जुड़ा हुआ है। अगर ये शिक्षा व्यवस्था ठीक होती है और कुछ होते हैं तो हमारा, हम भी तो सब उसी के नुमाइंदे हैं ना, हम अस्पताल की जवाबदेही की बात कर रहे हैं, हम पढ़ाई की जवाबदेही की बात कर रहे हैं, हम सरकार की सारी स्कीम की जवाबदेही की बात कर रहे हैं, हम चुनाव में नेताओं की प्रेजेंटेशन की उनकी जवाबदेही की बात करेंगे। आप ऐसे ही मत कह जाओ कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, चुनाव जीतने के बाद आप कुछ करते ही नहीं हो, तो आपकी जवाबदेही का क्या हो? आपने जो घोषणा की, आपने जो अपना प्रोग्राम बनाया और जनता के बीच में जाके कह दिया हम ये सब कर लेंगे और आप कर नहीं रहे हो, तो आपसे मांगेंगे ना जवाब देंगे। मैं अलग नहीं हूँ, मैं उसका हिस्सा हूँ। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो सहमति दे रहे हैं इस कानून से, वो मानते हैं ये सारे सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन वो इस यात्रा का हिस्सा नहीं है, वो अपनी अपनी जगह पर सहमत है, लेकिन आप इस यात्रा में क्यों चल रहे हैं, उससे आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, निजी, आपका निजी स्वार्थ क्या है कि आप यात्रा में चल रहे हैं? मेरे ख्याल में मैं
इसमें कहूंगा कि कुछ लोगों को करना पड़ता है जिनको लगता है करें, जबरदस्ती किसी को तो खींच नहीं सकते, ये एकदम हमारे अंदर से इच्छा से चली है। तो यहाँ जो लोग हैं अपनी इच्छा से आए, ऐसा नहीं है कि किसी ने इनको आदेश दिया, ऐसा नहीं है कि इनको नौकरी मिल रही है ये करने के लिए, ऐसा नहीं है कि इनको पैसा मिल रहा है, ये इच्छा से कर रहे हैं। बहुत लोग इच्छा से करते हैं, हमारी इच्छा है कि जो चीजों को हमें ठीक नहीं लगा तो हम उसको उसके बारे में आवाज उठाना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि ऐसा एक ढांचा बने जहां हर व्यक्ति, ये जो पावरफुल बैठे हुए हमारे नाम पे, तनखा मिल रही है हमसे, हमारे पैसों से या वोट मिल रहे हैं हमसे और बैठे हमारे नाम पे, हमारी इच्छा है कि उनके पावर कम हो और लोगों के पावर ज्यादा, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और हमें मिल बहुत कुछ रहा है, क्या मिल रहा है कि घर में बैठे बैठे आप जलते रहो, ये बुरा हुआ वो बुरा, और घर में बैठे बैठे आपको ये बुरा लगता है। हम कम से कम कोशिश करते हैं, होगा तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो कम से कम हमने कहा कि कोशिश की है। वैसे तो नहीं है जो आप कह रहे हो ना कि बहुत लोगों का समर्थन है लेकिन बैठे हैं घर पे, हमें तब तो बहुत और बुरा लगता कि कुछ करने की जरूरत है, इच्छा भी है लेकिन बैठे रहेंगे, तो वो अपने आप को ही मान मार के ही कहीं ना कहीं लगेगा कि यार नहीं क्या क्या कर रहा क्या लगेगा। तो नरेगा का मजदूर और उस मजदूर उसके उसकी भी नौकरी जो हमारे तनख्वाह से, कौन है मालिक, हमें मालिक या कोई और मालिक है? तनख्वाह कौन देता है? जनता देती है। तो मालिक कौन है? जनता है। और यदि वो ठीक से काम नहीं करे तो कौन खींच के रखेंगे उसको? जनता। ऐसा भी नहीं है कि जैसे जवाब दे एक शब्द, लेकिन इसके पीछे जाओ इस शब्द की भावना, बस जा रही है, काफिला जा रहा है, चौराहे पे जा रहे हैं, सब ऐसे देखते हैं जवाबदेही यात्रा, फिर वो सोचते हैं कि ये क्या है, हमसे चौराहे पे हम खड़े हुए तो पूछते हैं कि ये क्या है, मतलब ये सब लिखा हुआ, लेकिन इसका मतलब ये लिखा हुआ तो एकदम समझ में नहीं आएगा ना। चौराहे पे भी हम आधा घंटा उनसे बात करते हैं, उनको रोकने के लिए हम गाने भी गाते हैं ताकि वो रुके, रुकने के बाद हम बात करते हैं, आधे घंटे बाद उनको समझ में आता है कि ये मामला ये है। तो जब हम फोरस में पब्लिक में उस चौराहे पे देखो ना, जैसे वो समर्थन उनका चालू होता है वहाँ, तो वो उनको समझ में आते ही वो जुड़ जाते हैं और वो फिर बात भी फैलने लगती है, वो उनको समझ में आता है। नहीं बिल्कुल सही बात है, आज तक इस यात्रा में इतने दिन हो गए हमारे, सामने सामने चौराहे पे किसी ने विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा ये बकवास है, ये क्या जवाब दिया, हम सब नाटकबाजी, कुछ किसी ने कुछ नहीं किया। और वो हम वो उसका व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं कि इस पे आप मिस कॉल करो, हम पोस्ट कार्ड लिखवाने की बात करते हैं, हम झोली फैलाते हैं, चंदा डालते हैं, वो उसमें चंदा डाल रहे हैं, हम 10 रुपए 5 रुपए क्यों मांग रहे हैं कि वो गरीब से गरीब भी उसमें दे सके, यही लोगों ने 50 रुपए 100 रुपए भी दिए हैं, लेकिन हर चौराहे से हम पैसा मांगते हैं। हम टोल वालों को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आप अब टोल नहीं देंगे, तो उनका आपके पास तो लिखित ऑर्डर नहीं है, मैंने कहा नहीं हम ऐसा एक कॉज के लिए निकले कि जो जनता के ऊपर उसका भार इतना नहीं पड़े कि उसकी व्यवस्था हम नहीं कर पाए। आज हम खाने की व्यवस्था सब कोई ना कोई लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम गए और तुरंत व्यवस्था कर दी, हमने पहले बात की कि हमारी ऐसी टीम आएगी, आप मिलके कुछ व्यवस्था कर सकते हो क्या, हमारे रुकने की, हमारे खाने की, तो हम खाने की व्यवस्था करते नहीं कर रहे हैं, हम चौराहे से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, हम बसों का उसमें से तेल किराया जितना ले सकते हैं लेंगे, कुछ और दानदाताओं से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस यात्रा में बिना कोई झिझक के आप देना चाहो दो, ताकि ये यात्रा अपने उस बात को लेके पहुंचे। तो आप बोल रहे हैं कि 5-10 रुपए तक का भी चंदा आप इकट्ठा करते हैं और आपके बात करने से, लोगों के सहयोग से ये यात्रा चल रही है, आप 100 से अधिक लोग चल रहे हैं, इतनी गाड़ियां आपके साथ चल रही हैं, तो उसके लिए पैसा इसी तरह से आप इकट्ठा कर रहे हैं? इसी तरह से इकट्ठा कर रहे हैं, कहां से? इसी तरह से इकट्ठा कर रहे हैं हम, पहले ऐसा नहीं था, निकलने के पहले हमने कोई पैसा इकट्ठा करके फिर हम प्रोग्राम बनाया, हम चालू किया, इस बस वाले से बात किया, उसने कहा कि मेरे को इतना एडवांस दे दो, उस एडवांस की व्यवस्था की, उसके बाद निकल पड़े, उसके बाद खाली जेब निकल पड़े, वो तो एडवांस दे के गाड़ी में तेल भरवा के रवाना हो गए, पहला चौराया दूसरा चौराया, पहला दिन दूसरा दिन, और लोगों ने पैसे झोली में भी डाले और सहयोग भी करना चालू किया और खाना भी खिलाया। तो वो सब क्योंकि वो लोगों का मुद्दा है, सबका हम हिसाब खुला रख रहे हैं। आप पूछ रहे हो ना
तो हिसाब है, एक हर चौराहे का हिसाब है कि इस चौराहे से इतने आए, हर व्यक्ति का नहीं है जिसने 2 रुपए या 5 रुपए डाले, लेकिन हर चौराहे से हिसाब है। हम पोस्ट कार्ड लिख रहे हैं, पोस्ट कार्ड है क्योंकि हम सुविधा वो दे रहे हैं, लेकिन लोग उसके पैसे दे रहे हैं, उसके पैसों से और पोस्ट कार्ड खरीद के और लोगों को दे रहे हैं कि आपको लगे तो मुख्यमंत्री को लिखो, प्रधानमंत्री को लिखो पोस्ट कार्ड, क्योंकि ये तो केंद्रीय सरकार को भी पारित करना चाहिए, क्योंकि हम राजस्थान में घूम रहे हैं, क्योंकि हम राजस्थान सरकार को कह रहे हैं आप करके दिखाओ ना कि आप अलग हो उस केंद्रीय सरकार से। केंद्रीय सरकार ने तो RTI को दबा दिया, केंद्रीय सरकार ने तो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन लॉ को दबा दिया, और ये भी दबा दिया, तो हम राजस्थान सरकार के कह रहे हैं कि आप अलग पार्टी हो तो करके दिखाओ, फिर ये करके दिखाएंगे तो फिर हम वहां जाएंगे डेरा डालेंगे और कहेंगे एक राज्य कर सकता है तो आप पूरे देश के लिए क्यों नहीं कर सकते। और ये जो सांसद है ये आपके 5 साल में एक बार आते हैं तो ये कभी कुछ कह जाते हैं ना कि हम ये काम करेंगे, और वो अगर नहीं करते हैं तो वहाँ जवाबदेही उनके लिए भी है। या गहलोत साहब ने कहा था 3 साल पहले कि मैं जवाबदेही कानून पास करूंगा, तो हम उनके लिए जवाबदेही मांगने की बात करेंगे। आपने तो कहा था, आपने घोषणा। आप कौन सी राजनीतिक पार्टी का समर्थन करते हैं, या आपकी यात्रा को कौन से राजनीतिक दल से समर्थन आ रहा है कि आप इतने पूरे राज्य में 33 जिलों में यात्रा निकाल पा रहे हैं, जन सहयोग से चल रहे हैं? तो हमारा है एक राजनीतिक पार्टी। अच्छा। वो लोक राजनीति लोगों की एक समझ इसको जो है सवाल करे वो एक पार्टी है, लोग हैं उसमें सब है। अच्छा। चुनाव में खड़े होने वाले लोग नहीं है, लेकिन हम चुनाव में जो खड़े होते हैं उनको जवाबदेह बनाने के लिए ये एक लोगों का दल। हम किसी पार्टी के मेंबर नहीं, लेकिन हमारी एक राजनीति है, संविधान के लोकतंत्र की पार्टी जिसमें हर नागरिक जो आस्था रखता है इस संविधान में आस्था रखता है वो सब है, हम सब है, कभी हम सहमत है किसी इशू में, कभी नहीं है, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन हमें वोट नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि ये पूरी चीजें ठीक हो। और तो इसी लोग हमें राजनीतिक दल बनाना था तो हम क्यों ये क्यों करते, हम राजनीतिक दल बना ले, बहुत से लोगों ने बनाया हम भी बना ले। लेकिन आप इतनी लोकप्रियता हासिल कर रही है, यात्रा पूरे राजस्थान में होगी, आप लोगों के बीच में जाने जाएंगे, तो क्या आप भविष्य में खुद का एक राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहेंगे? तो जिससे आप पहले से जाने गए, या आप कह रहे हो इसी से जाने जाएंगे? ये तो बहुत फेमस आदमी है, तो अब क्या और क्या लोकप्रियता लेंगे शंकर सिंह जी। आगे चल के आप सोचें कि हम भी चुनाव लड़े हैं, हमें आपको सरकार से इतनी शिकायतें हैं, तो आप खुद की सरकार बनाने का भी सोच सकते हैं। सरकार हमारी नहीं है क्या? ये पार्ट से थोड़ी आई है, जो सरकार जो भी राज करे चाहे राज्य में हो या केंद्र में, सरकार तो हमारी है ना। ऐसा थोड़ी कि मैं जिसको वोट दूंगा वही मेरी सरकार होगी, जो जीत गया वो मेरा नहीं है क्योंकि मैंने उसको वोट नहीं दिया, वो बात नहीं है। लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में जो जीत की गया है वो हमारी है, और इसीलिए हम उनसे जवाबदेही मांग रहे हैं। और हम ऐसा पार्टी बना रहे हैं ताकि हर नागरिक के पावर हो, हर नागरिक के पास गद्दी हो, वही तो लोकतंत्र है, तो हम उस काम में लगे हैं। हाँ जरूर कोई जनप्रतिनिधि को वोट मिलेगा उसका ड्यूटी बढ़ जाता है, कर्तव्य बढ़ जाता है। हाँ जरूर किसी को नौकरी मिलती है उसका ड्यूटी बढ़ जाता है। हर नागरिक को 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे की ड्यूटी नहीं करनी या 24 घंटे की ड्यूटी नहीं करनी, लेकिन सरकारी कर्मचारी अधिकारी और जो वोट मांगते हैं उनको करनी है। जवाबदेही कानून के लिए यात्रा आज जयपुर से रवाना हुई और आज यहाँ बांसवाड़ा में पहुंची है। ये जवाबदेही कानून की मांग उठी है राजस्थान की जनता की, ये कानून पास होना चाहिए, कर्मचारी अधिकारियों की नेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए, इनको तनख्वाहें मिलती है लेकिन काम भी तो होना चाहिए, तनख्वाहें तो लो लेकिन काम तो करो। और काम करने के लिए अगर कैंप लगाते हैं तो फिर वो रोज क्या करते हैं, वही बात हम इसका जवाबदेही कानून में हम कहना चाह रहे हैं। अरे जवाब दे ही कानून बने तो डॉक्टर काम करे, अरे जवाब दे ही कानून बने तो डॉक्टर काम करे, अरे तहसील में जवाब दे ही जनता या तो मांगे, अरे तहसील में जवाब।
नोटों का हिसाब भी मांग रहे कि भैया वोट तो दिया सत्ता में तुम आए तब नोटों का क्या है वो नोट खजाने में उसका क्या हुआ हम वोटों का हिसाब मांगेंगे हम नोटों का हिसाब मांगेंगे हम चोटों का हिसाब भी मांगेंगे तो इस व्यवस्था के बीच में चोट पड़ रही है लोगों को पिटाई हो रही है लोगों के साथ हिंसा की जा रही है जो सवाल पूछ रहा है उसको पीट रहे हैं बाड़मेर में अमराराम के साथ क्या अभी की बात नहीं पाँव में कील ठोक दी उसने क्या पूछा था उसने यही तो पूछा भी नरेगा में क्या काम हुआ मेरे गांव में क्या हुआ मेरी जॉब कार्ड की क्या कहानी है उसमें उसको आप कहानी वो हिसाब नहीं दोगे लेकिन उसको आप इतना मारोगे कि उसको मतलब उसको उसको बिल्कुल मर्डर करने में क्या कमी रखी थी हम उसका भी हिसाब तो ऐसे छोटे छोटे सवालों के लिए आम नागरिक को इतना सरकार इतना दबाने की कोशिश करती है तो क्या आपका और यात्रियों का काम इन 45 दिनों के बाद खत्म हो जाएगा यात्रा खत्म होने के बाद या आगे जब तक चुनाव नहीं आता है आप और यात्रा करेंगे लड़ते रहेंगे या यात्रा मैं तो 30 साल से काम कर रहा हूँ मेरी उम्र का आज का आधा हिसाब तो इधर ही 40 साल से काम कर रहा हूँ जब से समझ आई है तब से इसी काम में लगा हूँ और आज तक वो छोटे छोटे सवाल हल नहीं हुए जिनको आप कह रहे हो कि छोटे छोटे सवाल हैं ये आपके पूरे हो जाएंगे जिसके बाद यात्रा खत्म हो जाएगी ये अभी चालू हुआ है ये तो अभी चालू है आज हम जिस बस्ती में जाके आए इतना हल्ला गुल्ला करने के बाद वहाँ शौचालय नहीं है आप जो कह रहे हो पूरा स्वच्छ भारत और इतने शौचालय सब बस्ती में जाके देखो तो सही शौचालय नहीं है वह पानी की निकासी का व्यवस्था नहीं है वह पीने का पानी नहीं है इतनी लंबी बातों करने के बाद लाइट नहीं है आप कह रहे हो हम पट्टे दे रहे हैं सबको वह पट्टे ही नहीं और जमीन किसी की व्यक्ति की नहीं है वो सरकार की जमीन है और वो शहर में बड़ी बस्ती है वो इतना खतरा उनके ऊपर टिका हुआ है अपनी झोंपड़पट्टी टाइप बना रखे हैं चद्दर डाल रखे हैं पक्का बना नहीं सकते क्योंकि उनकी खुद की नहीं है सरकार ने पट्टे दिए नहीं रोज मजदूरी करने वहाँ जाते हैं बाजार में जो भी मिलता है उससे मजदूरी करके आती है अपना गुजारा चला रही है लेकिन उनके डर बना हुआ है पर हर इलेक्शन में वहाँ आज वो कह रहे थे कि हर इलेक्शन में जो आते हैं तुम्हारे पट्टा बनवा देंगे कई बार हमें लगता है छोटे इशू हैं पढ़े लिखे लोगों को अमीर लोगों को गरीब के लिए वो छोटा इशू सब कुछ है उसकी जिंदगी उसका छोटा वो पट्टा अमीर आदमी के पास पट्टा नहीं हो तो किराए के मकान में रहेगा उसके पास पैसा है किराए देने के लिए वो मकान अपना बनाएगा किश्तों में बनाएगा लोन मिलेगा गरीब के लिए तो पट्टा सब कुछ है राशन 2 रुपए का राशन नहीं मिल रहा है जो कचरा बीन रहे उनको राशन नहीं मिल रहा है 2 रुपए का तो ये छोटे नहीं है उनके लिए बहुत बड़े सवाल और हम लोग उन छोटे लोगों के बड़े सवालों को लेके चल रहे हैं क्योंकि लोकतंत्र में सबसे पहली जिम्मेदारी उनके प्रति ये तो बाकी लोग खुद ही सक्षम है उनके लिए जरूरत है सरकार बनी उन्हीं के लिए लेकिन सरकार दूसरे लोग कब्जा करके उसके खा जाते हैं उसके अंदर के तो इसलिए बड़े सवाल तो ऐसी डराने वाली सरकार से क्या आप लोग नहीं डरते या आप सरकार को डराने निकले हैं हम समझाने के लिए डराने नहीं निकले कि समझो तो सही अब इसमें तो बजट भी नहीं चाहिए ना आप बहाना ये नहीं ले सकते कि पैसा चाहिए हमारे पास खजाने में पैसा नहीं हम कहाँ से लाएं ये कानून इसमें पैसे की जरूरत नहीं है आप जिनको पैसा दे रहे हो उनको काम करवाने की जिम्मेदारी है अब काम करवाने की जिम्मेदारी अगर हर स्तर पे नहीं तय की जाए तो नीचे वाले पूरे ढांचे में वो पंचायत की क्या जिम्मेदारी अपना वो वहाँ लेवल में उसका ऐसा नहीं होगा वो पंचायत के पट्टे की काम करेगा तो कलेक्टर को पूछ के ही करेगा एक ढांचा बनाओ वहाँ उसको इतने दिन में ये काम करना है नहीं करना है तो फिर उसके ऊपर कुछ करो ना तहसील में अगर कोई काम है तो वो पटवारी का पटवार खाने में काम होना है ना वो नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेदारी तय करो ना तहसीलदार के उसके लेवल की वहाँ जिम्मेदारी तय करो ऐसे एक इसको हर स्तर पर ले जाना पड़ेगा इस ढांच और ये ले जाते ठेठ वहाँ राजनीतिक पार्टियों तक भी ले जाना पड़ेगा पार्टियाँ कह देती ना हम ये करेंगे या तो कहा है मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जवाबदेही कानून पास करेंगे तो फिर क्या हुआ
और ये तब का जब चुनाव लड़ रहे थे आप, अब चुनाव लड़ भी गए, जीत भी गए, अब उसके काम करेगा तो कलेक्शन कुछ नहीं करेगा। और ये ले जाते ले जाते ठीक वहाँ राजनीतिक पार्टियों तक ले जाना पड़ेगा। पार्टी का जैसे हम ये करेंगे यहाँ तो कहा मुख्यमंत्री जी ने कहा हम जवाब भी कर पास करेंगे तो फिर क्या होगा। तो ये तब का जब चुनाव लड़ रहे थे आप, अब चुनाव लड़ भी गए, जीत भी गए, अब उसके बाद वो तो ठंडे बस्ते में डाल दिया आपने, उसको तो आपने छेड़ ही नहीं रहे हो ना। आप कह रहे हो ये आ गया वो आ गया, समस्या आ गई, बना हुआ है लेकिन इच्छा नहीं। शंकर ये तो कहते हैं कई बार कि तुमने कहा ना समझाने के लिए कर रहे हैं, तो कर्मचारी को समझाएं ये कहते हैं कई, मैंने सुना है कई बार कहते हैं आप समझाओ, डर क्यों दिखा रहे हो, पेनल्टी क्यों लगा रहे हो, ये क्यों कह रहे हो कि आप ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, समझाओ तो अपने आप काम करने लग जाएंगे। वो समझने से काम होता है जब तक, तो आज तक ये काम चालू ही जाता है, कितना समझाओ। नौकरी पक्की, अगर नौकरी कच्ची कर दोगे, काम नहीं करोगे, नौकरी कच्ची तो करने लग जाएगा ना, वही डर है। हमारा डर नहीं, जनता की डर की बात नहीं करो, मैं कह रहा हूँ नौकरी उसकी कच्ची कर दो तो अगले दिन काम करेगा। संविदा वाले काम करते हैं, पक्का होने के बाद बंद कर देते हैं। आप प्राइवेट स्कूल में कोई टीचर पढ़ाता है, उसको मैनेजमेंट कोई लगा ये ठीक से नहीं कर रहा है, तो वो अगले दिन कहता है तुम जाओ तुम्हारा हिसाब कर दिया, अभी नहीं मिलाना। खेत में कोई मजदूर काम करने जाता है, उसको समझ में आ गया दिन भर काम चोरी कर रहा, काम नहीं किया, शाम को पैसा दे के एक दिन का, कल मत आना। ये सब होता है ना, मजदूरों को भी छांट छांट के ले जाते हैं, मजबूत है तो काम करेगा, उसको देखे ये काम नहीं करने वाला तो नहीं ले जाएंगे ना। तो आप उस ढांचे में कुछ भी नहीं कर रहे हो, आपने एक 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 व्यवस्था को बिगाड़ा है। स्कूल ठीक से नहीं चले क्योंकि आपके बच्चे तो स्कूल जाते नहीं, सारे सरकारी कर्मचारी सारे नेताओं के बच्चे प्राइवेट में जा रहे, तो आपने सरकारी स्कूल पर ध्यान देना छोड़ दिया, प्राइवेट स्कूल इतने पनप गए। कानपुर से कैंप लगा के आओ, स्कूल की पढ़ाई भी कैंप लगा करा दिया, मैं साल भर नहीं पढ़ाऊंगा, ये जवाबदेही तय करने के लिए यात्रा निकली है। शंकर एक और कहते हैं कीचड़ क्यों उछाल रहे, जो अच्छे लोग हैं उनका देखो ना, तुम ये बुरे बुरे किसी ने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, इसने ये किया, ये सब क्यों कर रहे हो, जो अच्छा काम है उसको बताओ तो सब अच्छा करने लग जाए। तो आप, हम तो तैयार हैं, हम तो फूल लेके खड़े रहेंगे। आप अच्छा गांव में कोई एक अध्यापक अगर ढंग का निकल जाता ना तो सालों तक लोग याद करते हैं, वो कहते हैं नहीं वो मास्टर साहब बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है, याद करते हैं लोग, उनकी सराहना करते हैं, अच्छे अधिकारी की कर्मचारी की सराहना करते हैं, कोई भी याद करते हैं, बैंक वाला हो कोई भी हो, कलेक्टर को भी कई बार याद करते हैं, कलेक्टर बहुत अच्छे थे, अपने दरवाजे के बाहर सिर्फ बिठाते नहीं थे, जो आओ सबसे मिल लो, कलेक्टर से मिलना बड़ा मुश्किल था, उससे मिलना ये क्यों, ये बात है कि हमारी आप अच्छी काम की बात करो, टीचर करने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा काम करो, टीचर कैसे उछल गया है, अभी आप देख रहे हो ना कैंप में, अभी जाए शिकायत आई कैंप में जो काम होने सरकार की एक मजबूरी ऐसी बन गई जैसे काम तो हो ही नहीं जाते, कैंप लगा दो तो कैंप आप 3 साल में एक बार कैंप लगा दिए तो सब समस्या से निजात हो गए क्या, वो कैंप वाले काम कौन से ऐसे काम है जो रोज नहीं कर सकते, उस कैंप में क्या काम ऐसा था जिसमें पूरे कैंप को सब लोग साइन करेंगे तभी होगा। तो इस कानून में जिन जो अच्छा काम करेंगे उनको कोई मेडल अवार्ड एक्स्ट्रा तनखा बोनस दे रहे हैं, बोनस तो सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है तो उनकी दृष्टि से सब अच्छा काम करते हैं। नहीं लेकिन आप इस कानून में कुछ ऐसा डाल रहे हो जिसमें अच्छे करने वालों को और पैसा अच्छे मिलेगा, करने वालों को पैसा और पता नहीं क्यों चाहिए, लेकिन शाबाशी अच्छे काम करने वालों को, एक मेरे को समझाओ आपको वो काम करना है, अब उसमें काम कर लिया तो आपको क्या कहे, बहुत अच्छा आपने पूरा काम कर दिया, अरे भाई तो वो तो करना ही नहीं, काम करने के लिए सब ऐसी आप ही तो कह रहे हो फूल हुआ है, और बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही है और हर एक दे रहा है अपने सेल्स टैक्स से भी, गरीब से गरीब व्यक्ति भी दे रहा है और दूसरे लोग इनकम टैक्स से दे रहे हैं और दूसरे टैक्स से दे रहे हैं, तो तनख्वाह मिले ठीक, काम तो करें, नहीं याद करते हैं लोग उनकी सराहना करते हैं, अच्छे अधिकारी की कर्मचारी की सराहना करते हैं, चाहे कोई भी हो याद करते हैं, बैंक वाला हो
कोई भी हो, कलेक्टर को भी कई बार याद करते हैं, ये कलेक्टर बहुत अच्छे थे, अपने दरवाजे के बाहर किसी को बिठाते नहीं थे, जो आओ सबसे मिल लो। कलेक्टर से मिलना बड़ा मुश्किल वाला काम हो गया, उससे मिलना। तो ये जो ये बात है कि हमारी आप अच्छी काम की बात करो, आप ये कीचड़ उछालने की बात नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि मेरा काम करो, कीचड़ कैसे उछाल दिया है। अभी आप देख रहे हो ना कैंप हुए, अभी यहाँ इतनी शिकायतें आई, तो कैंप में जो काम होने हैं सरकार की एक मजबूरी ऐसी बन गई, जैसे काम कुछ हो ही नहीं रहा तो कैंप लगा दो, तो कैंप आप 3 साल में एक बार कैंप लगा दिया तो सब समस्या से ईजाद हो गया क्या? वो कैंप वाले काम कौन से ऐसे काम है जो रोज नहीं कर सकते? उस कैंप में क्या काम ऐसा था जिसमें पूरे कैंप के सब लोग साइन करेंगे तभी होगा? तो इस कानून में जिन जो अच्छा काम करेंगे उनको कोई मेडल अवार्ड एक्स्ट्रा साल देते हैं ना, एक्स्ट्रा तनखा बोनस दे रहे हैं, बोनस तो सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, तो उनकी दृष्टि से वो सब अच्छा काम करते हैं ना। नहीं, लेकिन आप इस कानून में कुछ ऐसा डाल रहे हो जिसमें अच्छे करने वालों को और पैसा, अच्छे करने वालों को पैसा और पता नहीं क्यों चाहिए, लेकिन शाबाशी अच्छे काम करने वालों को। ये मेरे को समझाओ कि आपको वो काम करना है, अब उसमें काम कर लिया तो आपको क्या कहें कि यार बहुत अच्छा आपने पूरा काम कर दिया? अरे भाई तो वो तो करना ही है ना, आप ही तो कह रहे हो काम करने के लिए शाबाशी, आप ही तो कह रहे हो फूल लेके खड़े रहेंगे, मतलब ये तो सही है, तो एक अकेला बेचारा काम कर रहा है। हाँ, तो उसको काम कर रहा है तो उसको क्या कहें, हम धन्यवाद देते हैं, बहुत बढ़िया आप लोगों काम कर रहे हो, कानून में कुछ डालो ना, कानून में धन्यवाद लिख दो, जो पूरा काम करेगा उसको धन्यवाद, क्या कहेंगे आप? तो मैं बताओ इसमें मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है इस कानून में ये छटनी कर लेगा कानून कि कौन नहीं काम करने वाले और कौन काम करने वाले। बहुत सारे दफ्तरों में बिना काम करने वाले हैं और इक्के दुक्के रहते हैं जिन पर पूरा भार पड़ता है, ये कानून उन लोगों को बाध्य करेगा, उन पर पेनल्टी लगते रहेगा, तो ये जिनके ऊपर भार है सबसे बड़ा धन्यवाद मिलेगा कि दूसरे लोग भी काम करने लग जाएंगे और इनके ऊपर इतना भार नहीं पड़ेगा, तो ये और भी अच्छा सुंदर काम कर सकते हैं बिना उस भार। आप नरेगा को देखो, सामूहिक कोई काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है कि भाई वो मजदूर इतना समझदार है कि वो भी, आपने 60 लोगों का ये काम करना है दिन भर तो उसमें से 20 तो काम तो निकल जाएंगे, तो आपने कहा यार ऐसे तो काम करते नहीं है तो क्या करें, अरे छोटे ग्रुप लाओ, तो 5-5 के ग्रुप का ऑर्डर निकाल दिया, 5-5 के ग्रुप में काम पूरा करोगे, आपका काम पूरा, आपका दाम पूरा, आप पूरा काम कर लेते हो तो पहले भी घर जा सकते हो, आपको टाइम बाउंड नहीं है, टास्क बाउंड कर दिया, तो 5-5 के ग्रुप को किया, 5 के ग्रुप में भी अगर उनको दिक्कत आई तो उन्होंने एक ऑर्डर और निकाला, 5 के ग्रुप में भी अगर 2 लोग पूरा काम करते, 2 को पैसा दो, वो 3 नहीं काम करने वालों को कम दो, तो आप एक ही मसूल में एक ही रजिस्टर में अलग अलग रेट भी दे सकते हो। तो आप इस सिस्टम को ढंग से चलाने के लिए आपको कुछ ऐसी व्यवस्था कर सकते हो ना, ये क्यों नहीं कर सकते कि काम सबसे आगे है, काम महत्वपूर्ण है और काम का दाम मिलेगा। तो नरेगा के मजदूर और पटवारी में तो फर्क है ना, फर्क है तो वो फर्क हटाओ ना, क्यों फर्क करो, वो पटवारी जी को भी कह दो तुम्हारा इस गांव का सारे म्यूटेशन हो गए, इस गांव में नामांकन का कोई लफड़ा नहीं है, इस गांव में जो मर गए उनके काम नाम रिकॉर्ड से तुमने हटा दिया कि नहीं हटा दिया, अगर वो नहीं हटाता है तो उसके ऊपर तो कुछ होना चाहिए ना, उसके पैसे कटे हैं, उसका कुछ रिकवरी हो, उसके कुछ कोई तरीका तो निकाल सकते हो, तेरी कटौती होगी, तेरे को काम का इतना, तेरे परिवार इतने खसरा नंबर, इतना ये है उस खसरा नंबर, आज तक एक गांव मुझे ऐसा नहीं मिलता है कि जहाँ पे कोई पटवारी ये कह सके एक भी आदमी या ऐसा है जो मरा हुआ है लेकिन मेरे कागजों में मैंने उसको निपटा दिया, वो वास्तव में मर गया लेकिन कागज में आज भी वो वगैरह में उसका नाम चल रहा है, अब वो जाके कहते हैं साहब ये तो मर गया, मेरे बाप से आगे जमीन जान दो। राशन का